नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका यूटीवी एक्सप्रेस में। मैं साथ प्रियंका। ये बावर कराना चाहते हैं कि हमें सूबा कर्नाटका में हमारी अपनी आबादी के तनासुब से हमें हमारे हुकूम दिए जाएं। और दूसरी बात यह है, जैसा कि मुफ्ती साहब ने फरमाया कि अगर किसी सियासी पार्टी को, ख्वा वो कौमी सतह की हो ख्वा वो सूबाई सतह की सियासी पार्टी हो, अगर उन्हें यह ख्याल खाम है या ये कि वो किसी गलत फहमी का शिकार हैं कि सूबा कर्नाटका के मुसलमान उनके मोहताज हैं और किसी सियासी पार्टी के आएंगे आज की इस नशिश्त में कि सूबा कर्नाटका में 1 करोड़ से जायद मुसलमान रहते बसते हैं, जैसा कि ऑफिशियली तौर पर हमारी आबादी का तनासुब 14.5 या से कुछ ज्यादा है, मगर अफसोस की बात यह है कि हमारी अपनी आबादी के हिसाब से सूबा कर्नाटका में हमें नुमाइंदगी नहीं दी जाती है। हम इस नशिश्त में खास तौर पर ये बावर कराना चाहते हैं कि हमें सूबा कर्नाटका में हमारी अपनी आबादी के तनासुब से हमें हमारे हुकूम दिए जाएं। और दूसरी बात यह है, जैसा कि मुफ्ती साहब ने फरमाया कि अगर किसी सियासी पार्टी को, ख्वा वो कौमी सतह की हो ख्वा वो सूबाई सतह की सियासी पार्टी हो, अगर उन्हें यह ख्याल खाम है या ये कि वो किसी गलत फहमी का शिकार हैं कि सूबा कर्नाटका के मुसलमान उनके मोहताज हैं और किसी सियासी पार्टी के अलावा या कोई और पार्टी उनके लिए मौजूद नहीं है, मुतबादल नहीं है, तो इस ख्याल खाम से वो बाहर निकले। और हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये अर्ज कर रहे हैं कि हमारा इस्तेहसाल अब तक होता रहा है, अब आने वाले दिनों में इस्तेहसाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मुतबादल तलाश भी कर लिया जाएगा और बड़े पैमाने पर मुत्तहिद होकर सूबा कर्नाटका की तरक्की के लिए, सूबा कर्नाटका में रहने बसने वाले करोड़ों कर्नाटका के कन्नड़िगाज के लिए, वो किसी भी धर्म और जात पात से ताल्लुक रखने वाले क्यों ना हो, हम अपने सूबे की बका और अपने सूबे की तरक्की के लिए भरपूर हिस्सा लेंगे। मगर ये बताना चाहेंगे कि हम किसी सियासी पार्टी के मोहताज न थे, न हैं, न कभी रहेंगे। आज की इस नशिश्त में मुत्तफिका तौर पर इन्हीं सारी उमूर पर गुफ्तगू हुई है। हजरत अमीर शरीयत दामत बरकातहुम चूंकि किसी मसरूफियत की वजह से तशरीफ ले गए हैं, हजरत की मौजूदगी में ये सारी बातें डिस्कस हुई हैं। सो आने वाले दिनों में भी इंशाअल्लाह ताला सूबा कर्नाटका के जिम्मेदार अकाबिर उलमाए किराम मुत्तहिदा तौर पर सूबा कर्नाटका के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से बड़े अहम फैसले करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और हम सब मुत्तहिद थे, मुत्तहिद हैं और मुत्तहिद रह करके इंशाअल्लाह ताला हम सूबा कर्नाटका में आने वाले दिनों में अहम फैसले करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कि अभी जो हम रियासत कर्नाटक में हालात देख रहे हैं, किस तरह के हालात हमारे कौम पर आ रहे हैं, मैं खुले लफ्जों में कहना चाहूंगा, रियासत कर्नाटक में मुसलमानों ने मिलजुल कर मेहनत करने के बाद कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया, उसको जितनी भी सीटें आज रियासत कर्नाटक में नजर आती हैं इसमें ज्यादा मेहनतें हमारे कौम की हैं। लेकिन आज इस तरह के हालात रियासत कर्नाटक में हमें देखने को मिल रहे हैं, किस तरह का हमारे ऊपर जुल्म और ज्यादती हो रही है, कहीं हमारे बच्चों को जानवरों की तरह कत्ल किया जा रहा है, कहीं जख्मी किया जा रहा है, कहीं हमारे बच्चियों के ऊपर हिजाब के ऊपर उनको स्कूल के अंदर आने की इजाजत नहीं है, कहीं अगर स्कूल में नमाज पढ़ी तो इस स्कूल को बंद करने की बातें की जा रही हैं। ये तमाम मामला रियासत कर्नाटक में हम देख रहे हैं। जिस पार्टी को सेकुलर समझकर मुसलमानों ने वोट दिया था, आज वो पार्टी एक लफ्ज कहने के लिए तैयार नहीं है कि जिस पार्टी, जिस कौम ने हमें आगे बढ़ चढ़कर दिन रात मेहनत करने के बाद सेकुलर पार्टी को लेकर आने की कोशिशें की गई, आज वो एक लफ्ज भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। जैसे कि उससे पहले हमारे उलमाए किराम ने कहा, लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए यूट्यूब एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए, साथ ही साथ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।